इजरायली फौज हिजबुल्ला के सफाये के लिए लेबनान में घुस चुकी है। आईडीएफ के टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां लगातार दक्षिणी लेबनान के गांवों पर हमलों में लगे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच गाजा में एक बार फिर से आईडीएफ के लिए एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, क्योंकि लेबनान पर हमला करने से पहले इजरायल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने कहा था कि हमास अब दोबारा इजरायल पर 7 अक्टूबर जैसा हमला करने के लायक नहीं बचा और उसका सफाया हो चुका है। लेकिन ऐसा लगता है कि गाजा के भीतर हमास एक बार फिर से उठ खड़ा हुआ है और उसने आईडीएफ के ऊपर भीषण हमले शुरू कर दिए। दरअसल खान यूनिस में आईडीएफ पर एक बहुत बड़ा हमला हुआ है। यहां पर अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाकों ने आईडीएफ के कई सैन्य वाहनों को उड़ा दिया। ये पूरा मामला पूर्वी रफा के अल-फ़ख़्री इलाके का बताया जा रहा है। हमास का कहना है कि उसने ये हमला हिजबुल्ला प्रमुख हसन नसरल्ला की मौत का बदला लेने के लिए किया है। हमास के मुताबिक वो आईडीएफ से नसरल्ला की मौत का बदला हर हाल में लेकर रहेंगे। आपको बता दें कि हमास ने अल-फ़ख़्री अटैक का एक वीडियो भी जारी किया है, जिसमें साफ दिख रहा है कि दूर खाली जमीन पर आईडीएफ के कुछ टैंक और सैन्य वाहन नजर आ रहे हैं, जिन पर अलकासिम ब्रिगेड के लड़ाके पहले तो घात लगाकर इन्हें चिन्हित करते हैं और उसके बाद हमास के कुछ लड़ाके जमीन में खुदी सुरंगों से बाहर आकर दूर खड़े आईडीएफ के वाहनों पर रॉकेट लॉन्चर से ताबड़तोड़ हमले कर देते हैं। इसके बाद हमास का एक लड़ाका दूर बने आईडीएफ की एक चौकी पर रॉकेट से हमला करता है, जिसमें जोरदार धमाका होता है और इसी के ठीक बाद हमास का एक और लड़ाका भागते हुए आगे बढ़ता है और आईडीएफ के एक टैंक पर रॉकेट लॉन्चर से गोला फायर करता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस हमले के बाद हमास का लड़ाका वहां से भाग निकलने में कामयाब होता है और फिर इसके कुछ ही देर बाद अलकासिम का एक लड़ाका घर में छिपकर सामने से आ रहे आईडीएफ बुलडोजर और टैंक पर घात लगाकर उस पर रॉकेट फायर करता है। और जैसे ही आईडीएफ के बुलडोजर और टैंक पर लगता है, वैसे ही इन दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ जाते हैं और इस हमले के बाद शाम के वक्त भी अलकासिम के लड़ाके एक बार फिर से आईडीएफ के टैंकों पर ताबड़तोड़ हमले करते हैं। अलकासिम के वीडियो में साफ दिख रहा है कि हमास का एक लड़ाका आईडीएफ के टैंकों पर ताबड़तोड़ रॉकेट बरसा रहा है और इन टैंकों में से एक के बाद एक धमाके होने लगते हैं। आपको बता दें कि इस हमले के तुरंत बाद घायलों को रेस्क्यू करने के लिए मौके पर इजरायली आर्मी का एक हेलीकॉप्टर भी उतरता है, जिसके आसपास आईडीएफ के कुछ टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आती हैं। बड़ी बात यह है कि इस हमले के अलावा अलकासिम ब्रिगेड ने गाजा के भीतर आईडीएफ पर एक और बड़ा हमला किया है। दरअसल हमास की सैन्य शाखा अलकासिम ब्रिगेड ने एक वीडियो जारी करके अल-तनौरा में आईडीएफ पर हुए हमले का सबूत दिया है। अलकासिम के वीडियो में साफ दिख रहा है कि सामने आईडीएफ का एक टैंक है और उसके ऊपर आईडीएफ का जवान चढ़ा हुआ है और टैंक से कुछ ही दूरी पर एक बख्तरबंद वाहन भी है और इसी दौरान अलकासिम का लड़ाका उस टैंक पर रॉकेट फायर कर देता है, जिसमें जोरदार ब्लास्ट होता है। और इस अटैक के बाद एक और आईडीएफ टैंक के ऊपर अलकासिम का लड़ाका रॉकेट फायर करता है और इस टैंक में भी जबरदस्त ब्लास्ट होता है। और इस हमले के बाद एक लड़ाका हरियाली के बीच छिपकर सामने खड़े आईडीएफ के टैंक और बुलडोजर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करता है, जिसकी वजह से इन दोनों वाहनों में बहुत बड़ा विस्फोट होता है और चारों तरफ सिर्फ धुएं का गुबार नजर आता है।